हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट होम क्रिएटिविटी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं तीलियों के झाड़ू से बनाने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग से डीआईवाई। जी हाँ, वही तीलियों का झाड़ू जिसे हम खराब हो जाने के बाद फेंक देते हैं। बनने के बाद आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये डीआईवाई आपने झाड़ू से बनाए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुराना झाड़ू ले लिया है। उसके बाद मुझे जितनी लेंथ इसकी रखनी है उस हिसाब से मैं तीलियों को तोड़ लूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये टेप का है, टेप खत्म हो गई थी तो मैं इसका यूज यहाँ पे कर रही हूँ। और दूसरा ये जो मैंने आपको दिखाया वो बिजली के सामान में से शीट जैसे निकली थी, इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से मैं इन स्टिक को इसके ऊपर इस तरह से लगाती जाऊँगी। आप इनकी जगह पे कार्डबोर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। पूरे रिंग को मैं इसी तरह से कवर कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसको लगाते जाना है। ये जो तीलियां बड़ी थी इनको मैं इस तरह से कट कर लूंगी और इनको बराबर कर दूंगी। उसके बाद मैंने एक धागा लेके इसको नीचे से बांध दिया है। अगर आपके पास कोई पुरानी लेस पड़ी है तो उसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम कोई लेस नहीं थी तो मैं यहाँ पे धागा ही बांध रही हूँ। और फिर इसके ऊपर ग्लू को अच्छी तरह से लगाकर मैं इस शीट को यहाँ पे चिपका दूंगी। मैं यहाँ पे एक लैंप बना रही हूँ और हमें इसके अंदर बाद में बल्ब को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लेकर इसके ऊपर डेकोर कर दिया है। चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर अगर कलर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि इसके बाद मुझे फिर इसके ऊपर गोल्डन कलर करना है तो ये गोल्डन कलर फिर उभर कर सामने आएगा। और भी इसके ब्लैक कलर कर दिया है मैंने। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर कर दिया है। रेडी हो गया, देखिए इसका फाइनल लुक। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं अपने सेकंड डीआईवाई के लिए। सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने उसी झाड़ू की तीलियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और फिर मैंने एक स्टिक ली है, उसको मैंने सेम चार पीसेस में कट कर लिया है। अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पे पुराने पेंस का यूज भी कर सकते हैं। देखिए फिर मैं इनके ऊपर ग्लू लगाकर इनको इस तरह से स्टिक कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से झाड़ू की तीलियों को इसके ऊपर लगाकर इस तरह से स्टिक कर देना है।
से मैंने रेडी कर दिया है। ध्यान रहे यहाँ पे हमारे स्टिक्स का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद मैं ग्लू गन की हेल्प से झाड़ू की स्टिक्स को इस तरह से इसके ऊपर चिपकाती जाऊंगी। इसी तरह से सारे दीदी को मैं ग्लू गन लगा लगा के इसके ऊपर इस तरह से चिपकाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरा कवर हो गया। एक्स्ट्रा को मैं कट कर दूंगी। इसके ऊपर मैंने एक एक स्टिक लगा दी है ताकि ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से स्टिक लगा दी है। इसके नीचे भी मैंने 3 स्टिक्स लगा दिए हैं और फिर मैंने इसके ऊपर ब्राउन एक्रेलिक कलर कर दिया है। बनने के बाद ये बहुत ही क्यूट लगने वाला है। तो आप इसको एज अ कैंडल स्टैंड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए।